हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो नमूना लाए हैं ये बहुत ही सिंपल स्टिचेस का कॉम्बिनेशन है। हमने ये जो इसकी स्टेम्स बनाई हैं ये स्टेम स्टिच की मदद से बनाई हैं। ये जो छोटी छोटी से लीव्स हैं इसको बनाने के लिए हमने लेजी डेजी प्लस स्ट्रेट स्टिच यूज़ की है। ये फ्लावर बनाने के लिए हमने स्पाइडर स्टिच, स्ट्रेट स्टिच और लखनऊ की जो हमारी घास पत्ती स्टिच होती है उसे यूज किया है। अब हम वन बाई वन कैसे किया जाता है वो बताने जा रहे हैं। हमने अपने सुई में वाइट कलर का का थ्रेड डाल लिया है। पूरे 6 स्ट्रैंड्स लिए हैं। अब हम किसी भी पॉइंट पे जहाँ से हमें डंडी स्टार्ट करनी है वहाँ से हम इसे निकाल लेंगे। यहाँ से हमने देखिए ये सुई निकाल ली है। उसके बाद फिर स्टेम स्टिच बनाना बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, ऐसे लेना है और पीछे की तरफ ये देखिए हमें ऐसे करके निकालते हुए खींचते जाना है। फिर ऐसे करना है, ऐसे ऐसे इस तरह से हमने पूरे में जितना हमें स्टेम जहाँ जहाँ बनाना है उस तरह से हमने स्टेम बना लिया है। यहाँ तक हमें स्टेम चाहिए था, ये स्टेम हमारा कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने पर हमें नीचे को ऐसे सुई निकाल देती हैं। फिर हमें अगर अब हम आपको लेजी डेजी कैसे बनानी है, यहाँ पे ऐसे हमने सुई जहाँ पे भी आपको ये लेजी डेजी बनानी है सुई एक पॉइंट पे निकाल लीजिए। उसके बाद उसी पॉइंट पर फिर से सुई इंसर्ट करते हुए जितनी बड़ी आपको बनानी है उतनी बड़ी पे निकालिए और ये धागा सुई के नीचे से ऐसे रखिए और सुई को ऐसे धीरे से खींच लीजिए। फिर सुई देखिए ये जो लूप बना इसके आगे से हम लोग यहाँ से हमने सुई ये लूप के बाहर से हमने इंसर्ट कर दी। ये हमारा लेजी डेजी बन गई। अगली लेजी डेजी में भी यही करेंगे हम लोग। ये यहाँ से सुई निकाली, उसी के पास से एकदम इंसर्ट की, एक लूप बनाकर सुई के नीचे से धागा डाला और उस लूप के बाहर अपनी सुई को इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से हमारी ये लेजी डेजी वाला वाइट हिस्सा बन जाएगा। ये देखिए हमने अपनी सारी जो भी लेजी डेजी स्टिच थी वो कंप्लीट कर ली है। अब हम इसके बीच में जैसे आप देख रहे होंगे स्ट्रेट स्टिच कैसे बनानी है उसके लिए हमने दूसरे कलर का धागा अपनी सुई में ले लिया है और लेजी डेजी का जो लूप है उसके बीचों बीच से हमने अपनी सुई को निकाला और फिर लेजी डेजी का जो बेस था हमने वहाँ पे अपनी सुई ऐसे इंसर्ट कर दी। ये देखिए फिर हमने देखिए बीच में लेजी डेजी का जो लूप बनता है उसके बीच में से सुई अपनी निकाली और बेस पर लेजी डेजी के इंसर्ट कर। इसी ढंग से हम पूरी ये करते जाएंगे। लेजी डेजी के बीच से निकाली और बेस पर इंसर्ट कर दी। इसी तरह पूरा करके हम अभी आपको बताने जाएंगे कि कैसे फ्लावर बनाते हैं। ये देखिए स्टेम और लीव्स रेडी हो गई हैं। अब ये फ्लावर कैसे बनाना है वो हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहले फ्लावर के एक बीच वाला जो हमने गोला बनाया है एक कॉर्नर पे से हमने अपनी सुई को ऐसे निकाल लिया। फिर इसे बीचों बीच में जो पॉइंट है उसमें इंसर्ट किया और नेक्स्ट जो हमारी लाइन है ऐसे करके स्पाइडर स्टिच जो ऐसे नॉर्मली बनती है वही हम बनाने जा रहे हैं। फिर इसमें लिया, फिर बीच में इंसर्ट किया, अगली वाली लाइन पे गए, ऐसे ही करते जाएंगे पूरी सर्कल में।
अब लास्ट स्टिक पे हम अपनी ले जा रहे हैं नीचे। ये देखिए, इस तरह से पूरे सर्किल में हमने लाइन बना ली। अब इसी बीच के जो राउंड सर्किल है, इसी में हम यहाँ बीचों बीच से ये अपनी सुई हमने देखिए निकालती है। ये बीचों बीच से सुई निकालने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट वाली स्टिक है उसमें के नीचे से ऐसे करके, देखिए यहाँ पे हमारा धागा निकला है, इस ढंग से हम उसके नीचे से अपनी फिर ये देखिए हम थोड़ा से टाइट कर देंगे। फिर हम वही स्टिक के नीचे से और अगली स्टिक को ऐसे लेते हुए जाएंगे, फिर अगली स्टिक और उसके आगे की स्टिक, इस तरह से लगातार दो दो स्टिच ले, दो दो जो लाइंस हैं उससे लेते हुए कंप्लीट करेंगे अपने सर्किल्स को। पूरा सर्किल ऐसे ही बनेगा, दो दो स्टिच हम आगे की लेते जाएंगे। ये अब हम ये दोनों लेंगे, फिर ये दोनों लेंगे, ये देखिए अब इस वाले पे है हमारे लास्ट में, ये और ये लेंगे, फिर ये और ये लेंगे, ये और ये लेंगे। इसमें धागा कपड़े के नीचे नहीं जा रहा है, सिर्फ हमारा ऊपर ऊपर बना हुआ है, जो हमने जाल बनाया है हम उसे भर रहे हैं। ये देखिए फिर आगे इन दोनों में जाएगा, दो दो लाइंस हम साथ में लेके जाते हैं। इसी तरह से हम लोग अपना पूरी तरह से इसे भरेंगे। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा जो स्पाइडर स्टिच है वो कंप्लीट हो गई। अब हम अपने सुई को जहाँ पर ये है उसी जगह पर इंसर्ट करते हुए नीचे ले जाएंगे। ये बीच वाला हिस्सा जो हमारा था वो कंप्लीट हो गया है। अब हम ये किनारे वाला, ये जो है आउटर सर्किल वाला, ये कैसे बनाना है ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारी जो दूसरे कलर वाला धागा था हमने उसे सुई में लेके एक जो लाइन हमने ड्रॉ की हुई है, देख रहे होंगे एक लाइन पे हमने ऐसे निकाला है। फिर उसी लाइन के लास्ट में ऐसे डाला और सेम पॉइंट पे हमने ऐसे करके निकाल लिया है। फिर इधर वाला जो पॉइंट था उस पे इंसर्ट करते हुए अगले वाले पे ये देखिए निकाल लिया। इस तरह से यहाँ पर जो है दो स्ट्रेट स्टिच साथ साथ बन गई हैं, एक ये स्ट्रेट स्टिच और एक ये। इसी तरह दो दो स्ट्रेट स्टिच हम लोग बनाते जाएंगे पूरे में, गोले में, एक दो। नेक्स्ट पे जाओ, फिर एक दो। नेक्स्ट पे जाओ, एक दो। नेक्स्ट पे जाओ,
ये देखिए, इस तरह से लगभग हमारा फ्लावर का ये हिस्सा कंप्लीट होने वाला है। आप चाहे तो इतना भी रख सकते हैं फ्लावर, लेकिन अभी हम आपको बताएंगे कि मेरा फ्लावर कैसे हमने कंप्लीट किया है। ये देखिए, ये पूरी स्टिच से कंप्लीट हो गया। इसके बाद इसे हम इस वाले थ्रेड को हम नीचे ऑफ कर देंगे और वाइट वाला जो हमारा अभी ऑफ नहीं करेंगे, सॉरी, इसको लेकर जहाँ पर लास्ट में किया है बीचों बीच में ऐसे निकालेंगे। ये इस जगह से हमने अपनी सुई को बाहर निकाला उसी कलर पे, और एक साइड का जो एक थ्रेड है, दो थ्रेड थे इसमें, एक थ्रेड है उसे अपनी सुई पे लेंगे ऐसे, और दूसरी तरफ का भी एक थ्रेड अपनी सुई पे लेंगे। और यहीं पर ही अपनी सुई को, ये देखिए, जहाँ पे हमने पहले वाले ली हुई है वहीं पे ही हम अपनी सुई को इंसर्ट ऐसे कर देंगे। इस तरह से ये दोनों जो हमारे स्टिच है ये आपस में पास हो गई। फिर दोनों के बीच में से हम अपनी सुई ऐसे निकालेंगे। फिर सेम करेंगे, यहाँ की एक स्टिच लेंगे धागे पे, और इसमें की एक स्टिच धागे पे लेंगे और बीचों बीच में इंसर्ट कर देंगे, जिससे ये दोनों धागे बस आपस में बंध जाए। इसी तरह से हम पूरे में करेंगे। देखिए, ये पूरा रिंग कंप्लीट हो गया है। अब इस रिंग में कैसे ये फ्लावर्स छोटे छोटे कंप्लीट करने हैं वो बताने जा रहे हैं। हमने इसके लिए जो हमारा ये स्क्वायर बनता है इसके ऊपर से, यहाँ से हमने अपना धागा ऊपर ले लिया है। उसके बाद टॉप पोर्शन से थोड़ा सा कपड़ा हम लेंगे अपनी सुई पे। ये देखिए, ये जो साइड के ब्राउन लाइंस हैं इनको हम टच नहीं कर रहे हैं। ये देखिए, थोड़ा सा कपड़ा हमने यहाँ से ले लिया। फिर बीचों बीच में थोड़ा सा कपड़ा लेंगे। बीच में एक लाइन पहले से ड्रॉ की है थी, जो हम जिस पे हमने अपना ये ब्राउन वाला बनाया था, उस लाइन को थोड़ा सा लेते हुए दिमाग में फिर ऐसे ही करेंगे यहाँ से, और ये देखिए, फिर वही करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कपड़ा ले लेंगे फिर यहाँ से और यहाँ। ये देखिए, यहाँ से निकाल लिया, फिर वही बीच से, फिर साइड में जाते हुए, ये देखिए, यहाँ से निकालना थोड़ा सा टाइट लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर फाइनली इंसर्ट कर देंगे। इसी तरह से अगली पत्ती के भी बीच से यहाँ से निकालेंगे, इधर से लेंगे थोड़ा सा धागा ऊपर से कपड़ा, सॉरी, ये लिया, फिर बीच से थोड़ा सा कपड़ा लिया, फिर साइड से थोड़ा सा आगे बढ़ के साइडों से लिया, फिर बीचों बीच से लिया, फिर थोड़ा और आगे बढ़े, फिर गए हल्का सा और आगे बढ़कर,
यहाँ बीचों बीच पे गए और ये फिर फाइनली इंसर्ट कर दिया। ये देखिए, इसी तरह से सारी पत्ती के बीच में हम लोग जितने भी ये बने हैं सबके बीच में बना लेंगे। ये देखिए, ये हमारा नमूना कंप्लीट हो गया। अगर आपको मेरा ये नमूना और स्टिच अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।